ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है वर्कशीट नंबर 25 अबाउट द टॉपिक लाइट। तो देर आर सम पीपल इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली। तो आपको इसमें दिया गया है आज आई डोनेशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने आईज के बारे में पढ़ा था, अब आई डोनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो बर्थ से ही नहीं देख पाते हैं बाय बर्थ, और कुछ होते हैं कि एक्सीडेंटली वो अपनी एबिलिटी टू सी यानी आई साइट को लॉस कर देते हैं। तो सच पीपल डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर। तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने सुनने की क्षमता को डेवलप कर लेते हैं। वो आवाज़ की वो पैरों की आवाज़ से ही ये बता देते हैं कि कौन यह किसकी चाल है, या चीज़ों को टच करके वो उनको पहचानना शुरू कर देते हैं। अपने दूसरे सेंस ऑर्गन वो डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं दैट कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी टू रीड एंड राइट, जिससे वो अपनी लिखने पढ़ने की क्षमता को डेवलप कर सकते हैं। तो इस ऐसे एक रिसोर्स का नाम है हमारे पास ब्रेल मेथड। ब्रेल मेथड में क्या होता है, सच पर्सन इन दिस मेथड सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर या कैरेक्टर बाय टच, दैट इज बाय टचिंग। यानी इसमें क्या करते हैं, वो किसी भी लेटर या कैरेक्टर को पहचानने के लिए क्या करते हैं, उसको टच करके समझते हैं कि हाँ ये वाला पैटर्न होगा। तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं हम ब्रेल सिस्टम। आगे आइए हम इसके बारे में और जानते हैं। इस पिक्चर में आपको एक फोटो दी गई है, ये कौन है, ये है लुईस ब्रेल हु हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। ये खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, इन्होंने इस मेथड को इस सिस्टम को डेवलप किया है। तो देयर इज़ अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, सभी कॉमन लैंग्वेज के लिए एक ब्रेल कोड होता है, मैथ्स के लिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए। तो मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग दिस ब्रेल सिस्टम को यूज़ करके बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज को रीड किया जा सकता है। इस सिस्टम में होता क्या है, आपको देखो ये ए से लेकर यू तक ये फोटो दिखाई गई है, इसमें कुछ डॉट्स दिख रही हैं, इन में से कुछ डॉट डार्क हैं कुछ लाइट हैं। तो ये जो डॉट्स हैं इनको टच करके जो जिस हिसाब से इस पेपर पर उभरी हुई हैं उसको टच करके ये पहचानते हैं कि ये वाला पैटर्न इस कैरेक्टर का हो सकता है। तो इसमें 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स होते हैं। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल ऑफ दो रोज ऑफ थ्री डॉट्स ईच, इसमें दो रो हैं, हर एक कैरेक्टर की दो रो है और जिसमें तीन डॉट हैं। तो इन सब को मिला के ये एक पैटर्न बनाती हैं, ईच कोड जिससे कोड बनता है। तो हर कोड जो है एक लेटर या वर्ड को डिनोट करता है, या एक ग्रामेटिकल साइन को डिनोट करता है। तो एक तरीके से सारी जो ब्रेल हैं वो इसी पैटर्न के थ्रू लिखी होती हैं। तो ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय, तो हम इस टेक्स्ट को कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, बाय हैंड से भी या बाय मशीन से, जैसे कि टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स भी ऐसी डेवलप हो गई हैं कि जो ब्रेल को सपोर्ट करती हैं। तो आपको अब एक फैक्ट दिया हुआ है आई के बारे में। डू यू नो आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन, ये कोई भी कर सकता है। इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज हु सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिजीज, जिसको ब्लाइंडनेस है और आई डिजीज के साथ साथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है ना, उन लोगों को हम आई डोनेट कर सकते हैं। ये उनके लिए वैल्यूएबल गिफ्ट है जो कि प्राइसलेस है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाए गए एक सुंदर सी पिक्चर बनाई हुई है कि लेट समवन सी द ब्यूटी थ्रू योर आईज। तो हमें कुछ मिथ्स हैं आई डोनेशन के बारे में, तो कि भाई ये लोग जो है आंखें डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये कुछ पॉइंट्स दे गए हैं उन्हें मिथ्स को क्लियर करने के लिए, कि डोनर जो है वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी सोशल लेवल का हो सकता है, या वो ग्लास भी पहन सकता है, चश्मे भी पहन सकता है, वो भी एक डोनर हो सकता है। लेकिन एक पर्सन जो हाइड्रोलिसिस से सफ़र करता हो, ल्यूकेमिया से सफ़र करता हो, टेटनस, कोलेरा, ये जो लोग हैं ये आई डोनेशन नहीं कर सकते। अ पर्सन जो वो पर्सन हु वांट्स टू डोनेट एन आई हैज़ टू टेक अ प्लेज विद अ रजिस्टर्ड आई बैंक, से उसे प्लेज लेनी होगी एंड कीप हिज और हर आई हेरिटेज ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। तो उसको अपनी आँखों को अपनी लाइफ टाइम तक संभाल कर रखना होगा, उसे ये प्लेज लेनी होगी आई बैंक में।
ठीक है, आई डोनेशन इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल्स। तो इसी टेक्स्ट पर बेस आपके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनका आंसर करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेल सिस्टम एंड हु वाज द पायनर। पायनर का मतलब है कि किसने इसकी शुरुआत किया, किसने इसको खोजा। तो फर्स्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ब्रेल सिस्टम है क्या, और फिर हम ये बताएंगे किसने इसको कि इसकी शुरुआत की। तो हम लिखेंगे, ब्रेल सिस्टम एक मेथड है इन विच अ पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर या कैरेक्टर बाय टच। ये एक विधि है जिसमें वो टच करके जो है कैरेक्टर और लेटर को पहचानते हैं। इस विधि में, इस सिस्टम में 63 डॉट्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। तो डॉट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है दो रोज में कि उसमें तीन तीन डॉट आए और हर उस डॉट के पैटर्न से एक कोड बने, और हर कोड एक ग्रामेटिकल साइन को या एक लेटर को, वर्ड को, कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो आपको इस तरीके से पूरा डिटेल में करके इसका आंसर देना है। और हम फिर ये भी बताएंगे कि पायनियर कौन था। लुईस ब्रेल इन्वेंटेड दिस सिस्टम। इस तरीके से हम अपने फर्स्ट आंसर को डिफाइन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में, मार्क राइट और रॉन्ग। तो पहला है, वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आई। नहीं, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का हो या किसी भी जेंडर का हो। सेकेंड है, पीपल वियरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ पर्सन डेथ। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है उसकी डेथ के 4 to 6 आवर्स के बाद जो है वो आई डोनेट कर सकता है, चाहे वो ग्लास वेयर करता है या नहीं करता, लेकिन 4 to 6 आवर्स के अंदर उसको वो आई डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। पीपल हु कैन डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल। हाँ, किसी भी सोशल लेवल के हो सकते हैं, बिल्कुल। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया एंड कैन डोनेट आई। नहीं, ये डिजीज वाले लोग जो है आई डोनेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन 3 है हमारा, वाई शुड वी डोनेट आर आईज टू द बैंक। हमें बैंक को आई डोनेट क्यों करनी चाहिए? तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह लिखें, ये रहा, बिकॉज आई डोनेशन एक नॉबल एक्ट है, ये एक वैल्यूएबल गिफ्ट है टू दोज पर्सन हु कैन नॉट सी। हमारी आंखें, आर आईज आफ्टर अस कैन शो द वर्ल्ड टू पीपल हु कैन नॉट सी। तो आप इस तरीके से अपना आंसर दे सकते हो, या अगर आपका कुछ और वर्ड्स में आंसर आ रहा है तो आप वो दे सकते हो। लास्ट में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज पढ़ लेते हैं, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड 19 वेयर अ मास्क।